हेलो डियर स्टूडेंट, आपको स्वागत है BSC पटना क्लास में। तो आज हम बात करने वाले सीटेट नोटिफिकेशन के बारे में, जो आप लोग होम स्क्रीन पे देख सकते हैं, थंबनेल में भी देख सकते हैं। इस प्रकार से न्यूज निकल कर आया है, और क्या न्यूज निकल कर आया है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बीच बताऊँगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास भी स्टार्ट होगी जब सीटेट का फॉर्म भरा जाएगा तब। तो आप लोगों को चलिए बताते हैं क्या न्यूज आया निकल के। देखिए, न्यूज इस प्रकार से निकल के आया जो आपके सामने है। देखते हैं सीटेट नोटिफिकेशन धरोबाई। CBSE बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन के लेकर अधिसूचना जारी करने वाली है। देख सकते हैं, बता दें कि लाखों अभ्यर्थी बहुत ही परेशान है कि सीटेट का अधिसूचना जारी न होने से। आपको इस पर पोस्ट के माध्यम से आगे बड़ी महत्वपूर्ण खबर मिलने वाली है। सीटेट आवेदन करने के लिए आपको योग्य व इच्छुक उम्मीदवार सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट यानी पर जाके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सीटेट 2021 का रिजल्ट आपको पता है कि 9 मार्च 2022 को जारी किया गया था। इसके बाद CBSE के द्वारा सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन अप्रैल के अंतिम में जारी किया जाएगा। देखें, लिखा हुआ यहाँ अंतिम में जारी किया जाएगा, अंतिम सप्ताह। जैसा कि ही नोटिफिकेशन जारी होते ही आपको सभी को योग्यता उम्मीदवारों और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं, CBSE के द्वारा बहुत जल्द सीटेट का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए जाने वाला है। ऐसे में आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो आवेदन की अंतिम तिथि है उसके पहले आपको जरूरी आवेदन कर देना है। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी जब फॉर्म भर जाते हैं तो सर्वर की दिक्कत से साइबर क्रैश भी हो जाती है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी के फॉर्म नहीं भर पाते हैं। ठीक है ना, आगे तो जैसे ही आवेदन शुरू होगा आप लोग सबसे पहले क्या आवेदन करने का काम आपका होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। CBSE इस बार नया इतिहास रचने वाला है। बता दें कि जुलाई में CBSE के द्वारा सीटेट का आयोजन होने वाला है, इससे बाद दिसंबर में भी आयोजन करने की तैयारी की है। बिना सीटेट के आप किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको सीटेट पास होना होगा, इसके बाद आपको केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले इसकी वैधता कितनी थी, 7 साल थी, अब लेकिन इसकी अब जीवन भर कर यानी लाइफ टाइम कर दिया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से न्यूज निकल गया है। तो आप लोग इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना,